और अब बात शहर की सरकार की कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव से करीब एक साल पहले निकाय चुनाव के दूसरे फेज में 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका परिषद, 268 नगर पंचायत में मतदाताओं की कसौटी पर राजनीतिक दलों की परीक्षा हुई। अब बारी नतीजों की है जो 13 मई को आएंगे। 7 निगमों में से कुछ सीटों पर टाइंगुलर मुकाबले के आसार बने हैं, तो वहीं आमने सामने की टक्कर मानी जा रही है, लेकिन फैसला मतदाता को देना है जो उसने लॉक कर दिया है। मगर नतीजों से पहले जब दिग्गज वोट करने पहुंचे तो वो नतीजों से पहले ही जीत का दावा भी करते नजर आए। नगर निकाय चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण का चुनाव 38 जिलों में संपन्न हो गया। दूसरे फेज में 7 मेयर पदों समेत 6,929 पदों के लिए 39,146 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम और मत पेटियों में कैद हो गई। दूसरे चरण के मतदान में मतदाताओं ने खासा रुझान दिखाया। न तो लोगों ने धूप की परवाह की, न ही सूरज की तपिश की। सेकंड फेज के इलेक्शन में दिग्गजों ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने शाहजहांपुर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वित्त मंत्री ने मतदान के बाद बीजेपी की जीत का दावा किया। और बीजेपी बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज कराएगी शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर में पहली बार नगर निगम बना, लोगों को इस बात को लेकर उत्साह भी है कि हम नगर निगम में पहली बार अपना वोट डालकर जीत में शामिल हों। सेकेंड फेज की वोटिंग में कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर के पंडित गुप्ता राम इंटर कॉलेज में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने बरेली में, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने परिवार के साथ बदायूं के सरौरा प्राथमिक विद्यालय में वोट किया। वहीं सांसद सतीश गौतम ने अलीगढ़ और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मेरठ के आर्य कन्या इंटर कॉलेज में परिवार समेत मतदान किया। मोदी जी की सरकार देश में है, योगी जी की सरकार राज्य में है। हमारी यही कोशिश है कि हमारा यह पिछड़ा जनपद आगे बढ़े, यहाँ पर विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं आए। वहीं विपक्ष के नेताओं ने भी अपने अपने मतदान केंद्रों में चुनावी भागीदारी में हिस्सा लिया। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बांदा में वोटिंग के बाद निकाय चुनाव में कांग्रेस के अच्छे और कम से कम 2 मेयर सीटें और कई चेयरमैन पद जीतने का दावा किया। 30 सालों से जो हम करते आए हैं, हम उससे बहुत बेहतर करेंगे और कई चुनाव से हमने मेयर नहीं जीता है। इस बार हम उम्मीद करते हैं कि 2 मेयर की सीटें हम जीत करके आएंगे। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 7 निगमों में भी चुनाव थे। हालांकि इन 7 में से 2 निगम पर पिछली बार बसपा ने जीत हासिल की थी, इसलिए बीजेपी चाहेगी कि इस बार ये निगम भी उसके ही खाते में जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।